20 साल के बाद एक बार फिर से भारत और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के फाइनल में नजर आएंगे। कुछ इतिहास बदलने हैं, कुछ इतिहास बनाने हैं। भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में चौथी बार पहुंचा है, जिसमें से दो बार वो ट्रॉफी उछाल चुका है, तो वहीं 2003 में ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत का ट्रॉफी उठाने का सपना चकनाचूर हुआ था। लेकिन 2023 की भारतीय टीम की अगर बात की जाए तो ये भारतीय टीम इस समय न सिर्फ कागजों में, मैदान पर भी मजबूत नजर आ रही है। ऐसे में 19 नवंबर को खेले जाने वाले इस फाइनल मुकाबले में भारत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और लगता है कि जो भारत का 12 साल का सपना है, 12 साल से जो इंतजार हो रहा है, वो इंतजार अब खत्म होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज और मैं हूं ललित वर्मा और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं आदित्य आत्रे। आदित्य, 20 साल बाद एक बार फिर से भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे से भिड़ती हुई नजर आई। बिल्कुल, 2003 में जो वर्ल्ड कप का जो माहौल था तब हम ट्रॉफी नहीं उठा पाए थे, लेकिन अब एक हालांकि 2011 में हमने ट्रॉफी उठाई थी और 2011 में हमने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में हमने उसको हराया था और जैसे ही इस साल ये वर्ल्ड कप खेला गया उसके बाद पहला ही मैच हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ था और जिस तरीके से गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से धराशायी कर दिया है। लेकिन वापसी ऑस्ट्रेलिया ने बहुत जबरदस्त की इस वर्ल्ड कप में। शुरुआत के मुकाबले हारे लेकिन उसके बाद अब साउथ अफ्रीका से भी लीग मैच में उनको एक बड़ी हार मिली, लेकिन सेमीफाइनल में जिस तरह से बैटिंग की, जिस तरह से उनके जो कप्तान है पैट कमिंस, गेंदबाजी से तो नहीं लेकिन मैं कहूँगा बल्लेबाजी से, जिस तरह एक तरफ वो रुके रहे, हमने अफगानिस्तान के खिलाफ भी उनको देखा कि किस तरह एक छोर पे डटे रहे, मैक्सवेल ने मैच खत्म किया। तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी डटे रहे। बिल्कुल, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी वो यहाँ पर डटे रहे और उन्होंने यहाँ पर मैच फिनिश किया। लो स्कोरिंग वो मुकाबला जरूर था, कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका ने भी बहुत भारी गलतियां इस मुकाबले में की। अगर जिस तरह से शुरुआत में डेविड वार्नर ने जिस तरह से अटैक करके खेला, एक बहुत बड़ा दबाव पावर प्ले में। आदित्य, बात यहाँ कर रहे हैं 2003 और 2023 की। देखिए, 2003 में पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया और फिर फाइनल मुकाबला भी ऑस्ट्रेलिया का भारत से हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया। कुछ वैसी ही तस्वीर नजर आ रही है, समीकरण बिल्कुल उसी तरह के बन रहे हैं। हमने इस बार 2023 में भारतीय टीम ने पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया को हराया और अब 2023 का जो फाइनल मुकाबला है इसमें एक बार फिर दोनों टीमें आमने सामने होंगी हारी। लेकिन देखिए, डर है वो शायद कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के मन में है। जिस तरह से मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और सिराज गेंदबाजी कर रहे हैं तो उनके बल्लेबाजों के मन में कहीं ना कहीं यहाँ पर डर जरूर होगा। लेकिन जिस तरह से वार्नर फॉर्म में आए हैं और स्टीव स्मिथ जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, भारतीय गेंदबाजी की अगर बात देखिए, भारत के चार पांचों ही गेंदबाज, सभी गेंदबाज 10 विकेट से ज्यादा ले चुके हैं। मोहम्मद शमी इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी, मोहम्मद शमी की गेंदें आग उगल रही हैं, तो जसप्रीत बुमराह अपनी यॉर्कर और रफ्तार से खिलाड़ियों को चित कर रहे हैं। जडेजा और कुलदीप की फिरकी काफी असरदार नजर आ रही है, हालांकि सिराज थोड़े से उस रंग में नजर नहीं आए हैं जो वर्ल्ड कप में थे, लेकिन उनकी गेंदबाजी भी लगातार धारदार है। बिल्कुल, गेंदबाजी के दम पे इस बार भारत है वो लगातार। नहीं, देखिए, मैं कहूँ गेंदबाजी ही नहीं, जिस तरह से बल्लेबाजों का सपोर्ट मिल रहा है गेंदबाजों को, एक बड़ा स्कोर गेंदबाजों के लिए वो तैयार करके पिच पे दे रहे हैं। मैदान पर 300 प्लस 350 400 रन तक का स्कोर उन्होंने मारा है और उसके बाद गेंदबाजों के पास सिर्फ ट्राई करने का एक मौका होता है। आपने एक बॉल डाली, हो सकता है उस पर आपने चौका, अगर लो स्कोरिंग मैच होता है तो आपके पास, आपके गेंदबाजों के पास सिर्फ जो विविधताएं हैं उनको आजमाने का समय नहीं होता है, क्योंकि एक गेंद खराब, उस पर चौका या छक्का पड़ा तो आप गेंद में पीछे आ जाते हैं। लेकिन जब एक स्कोर बोर्ड पे 350 प्लस रन या 300 प्लस रन का स्कोर लगा हुआ है तो आप स्लोअर वन भी ट्राई कर सकते हो। आप ऑफ कटर, लेग कटर, इन स्विंग, आउट स्विंग, आप लेंथ पे बॉल डाल के भी बैट्समैन को खिला सकते हो। जिस तरह से हमने देखा कि पूरे मुकाबले में, एक गेंदबाजी की बात करें तो देखिए, पूरी लेंथ गेंदबाजी भारतीय टीम ने वहां पर की है, बल्लेबाजों को खिलाने का प्रयास उन्होंने वहां पर किया। आप देखिए, शॉर्ट बॉल दिखाई बहुत कम दी, लेकिन जसप्रीत बुमराह हो, चाहे शॉर्ट बॉल से सिर्फ सिराज ने टेस्ट किया है,
बाकी जसप्रीत बुमराह है और मोहम्मद शमी, उन्होंने लेंथ बॉल डाल के खिलाने का प्रयास किया है, और उस जब बैट्समैन के पास लेंथ बॉल आती है तो मारने के अलावा उसके पास दूसरा चांस नहीं होता, तो तभी एक मौका बनता है विकेट लेने का। उस बॉल पे चौका भी पड़ सकता है, छक्का भी पड़ सकता है, लेकिन उस पे विकेट भी मिल सकता है। बिल्कुल, इस समय भारतीय जो गेंदबाजी है वो अपने स्वर्णिम युग में है। देखिए बल्लेबाजी की अगर बात की जाए तो इस बार जो बल्लेबाजी, किसी एक पर्टिकुलर खिलाड़ी का नाम लेना अन्य खिलाड़ियों के साथ ना इंसाफी होगी। नहीं, लेकिन रोहित शर्मा तेज स्टार्ट दे रहे हैं, शुभमन गिल एंकर का रोल कर रहे हैं, उसके बाद विराट कोहली आते हैं, वो एंकर और तेज बल्लेबाजी का एक ऐसा शानदार मिश्रण है ना, जो लगता नहीं है कि वर्ल्ड क्रिकेट में कोई आने वाले लंबे समय तक ऐसा खिलाड़ी आएगा। श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, पांचों के पांचों जबरदस्त फॉर्म में है। बिल्कुल, रोहित शर्मा शुरू से ही देखिए इन मुकाबलों के अंदर जिस तरह से अटैक करके सामने गेंदबाजी को खेल रहे हैं, मनसूबे हैं वो पहले ही 6 ओवर में धराशायी कर देते हैं। वो जो 10 ओवर का जो शुरू के जो 10 ओवर है उसमें जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी है, चाहे क्रीज से निकल के शॉट मारना हो, पेसर को उन्होंने छक्के मारे हैं बाहर क्रीज से निकल के, दो कदम आगे निकल के आकर उनको शॉर्ट पिच डाली है, तो जिस हिसाब से उन्होंने पुल पे छक्के मारे हैं तो गेंदबाज के पास ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। गेंदबाजी के बाद ऑप्शन खत्म हो रहा है कि भैया इसको फुल लेंथ डिलीवरी पे ये चौका छक्का मार रहा है, और अगर थोड़ी शॉर्ट बॉल डाल रहे हैं तो पुल करके मार रहा है, और अगर गुड लेंथ पे बॉल डाली जा रही है तो दो कदम निकल के, और फुल शॉट पे रोहित शर्मा का करीब 300 का स्ट्राइक रेट है। बिल्कुल, फुल शॉट से अब मुझे तो लगता है कि शायद पैट कमिंस और उनकी जो बॉलर्स हैं चाहे स्टार्क हो, वो शायद मुझे लगता नहीं कि फुल शॉट पर उनको यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि इनको शॉर्ट बॉल पे आउट करवाया जाए। हालांकि देखिए 2 या 3 छक्के या 5 छक्के लगाने के बाद कुछ मैच में ऐसा भी हुआ कि वो पुल शॉट पे ही आउट हुए। बिल्कुल, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुके थे। इधर विराट कोहली की बात की जाए, 711 रन एक वर्ल्ड कप में, ये देखिए 50वां जो शतक उन्होंने जड़ा जिस तरह से, और जिस तरह की फॉर्म में वो इस समय चल रहे हैं काफी जबरदस्त है। एक बहुत सेंसिबल क्रिकेट वो इस समय खेल रहे हैं, आते हैं धीमे स्टार्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद पारी को बिल्ड करने का जो बिल्ड है वो करने का प्रयास वो वहां पर करते हैं, और वो कर भी रहे हैं। यहाँ पर 700 प्लस रन उन्होंने इस वर्ल्ड कप के अंदर अभी तक जड़ दिए हैं अपने खाते के अंदर, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मुझे याद है 2003 के अंदर शायद सचिन तेंदुलकर का सबसे बड़ा स्कोर था और 20 साल बाद ये रिकॉर्ड था, तो मुझे लगता है कि 700 रन का अब ये कितने समय बाद टूटता है ये भी देखने वाली बात होगी। और मैं जिस तरह से कह रहा था कि जिस तरह से वो प्ले अपनी इनिंग को बिल्ड कर रहे हैं वो जबरदस्त है, हर तरह के शॉट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन देखिए उनकी बुक में सभी शॉट्स हैं। हाँ, एक उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी जो इस बार देखने को नहीं मिली है, शॉर्ट बॉल पे जैसे ही वो बैट घुमाते थे तो वो आउट हो जाते थे, वो कैच देते थे, लेकिन इस बार सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं। शॉर्ट बॉल को वो बल्ले का मुंह बंद करके वो खेलने का नीचे की तरफ मार रहे हैं ताकि कोई चांस। श्रेयस अय्यर लगातार 2 सेंचुरी। श्रेयस अय्यर की बैटिंग तो हमने देखी साउथ न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, मैं तो कहूंगा कि अगर जिस तरह से उन्होंने 150 प्लस की स्ट्राइक रेट से वो रन बनाए, क्योंकि एक बार तो कॉनवे ने और विलियमसन ने लगभग ये कर दिया था कि शायद ये स्कोर चेस कर सकते हैं, लेकिन 60-70 गेंदों के अंदर जिस तरह उन्होंने 100 रन से ज़्यादा की पारी उन्होंने यहाँ पर खेली, तो उन्होंने बता दिया है कि मिडिल ऑर्डर में आकर भी हिटिंग की जा सकती है। और जिस तरह से वो छक्के मार रहे हैं उनको बाहर निकलने की जरूरत बहुत लंबे छक्के मारते हैं और चाटा मारते हैं, छक्का नहीं, इसे मतलब बैट घुमा रहा है 6 रन, बैट घुमा रहे हैं 6 रन। साधारण भाषा में कहें तो चाटा मारना कहते हैं, वो छक्के ऐसे मारते हैं जैसे कोई चाटा मार रहा है। बिल्कुल, और ये कॉन्फिडेंस है वो जरूर यहाँ पे हो रहा है। केएल राहुल की बात हम करें तो पहला मैच जिस तरह से था, देखिए पहला मैच की हम बात करें तो 2 या 3 विकेट जल्दी खो दिए थे भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लीग मुकाबले में, पहले वहां उन्होंने एंकर का काम किया, वहां वो आए उन्होंने सेंसिबल क्रिकेट खेली, विराट कोहली ने बहुत अच्छा उनका साथ दिया और आखिर तक केएल राहुल थे वो मुकाबले को लेकर गए और उन्होंने टीम को जो पहला ही मुकाबला है वो जीत कर। भारत इस समय काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, जो सपना है देश के करीब 135 करोड़ लोगों का वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया को वो घोड़ा कहा जाता है जो शुरुआत में सिर्फ चलता है लेकिन जब गति पकड़ता है तो उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है, इस वर्ल्ड कप में भी हमने देखा है। ट्रेवियस हेड के आने से बैटिंग बहुत मजबूत हुई है, डेविड वार्नर, ट्रेवियस हेड, शॉन मार्श, स्टीव स्मिथ, लैबुशेन, ये काफी मजे हुए खिलाड़ी हैं। देखिए मैं परिस्थितियों के अनुरूप ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए शुरू के जो
दो या तीन बल्लेबाज हैं, उनके अलावा नीचे का जो मध्यम क्रम है वो उनका अभी तक फ्लॉप ही नजर आया है। देखिए शुरुआत के कुछ मुकाबलों में ट्रेविस हेड नहीं थे, लेकिन उनकी जब वापसी हुई तो उन्होंने सेंचुरी के साथ जबरदस्त वापसी, धर्मशाला में बहुत जबरदस्त सेंचुरी उन्होंने मारी। और उसके बाद जो डेविड वार्नर है उनकी भी फॉर्म आई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उन्होंने 162-163 रन की जो पारी खेली उससे उनका कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ पर बिल्ड हुआ। और अब एक दिक्कत यह है कि अगर तीनों बैट्समैन एक साथ निकल गए, हेड निकल गए, वार्नर निकल गए और स्टीव स्मिथ निकल गए, लबुशेन फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं, वर्ल्ड कप से पहले जिस फॉर्म में थे वो नजर नहीं आ रहे हैं। और उसके बाद फिर लबुशेन है वो भी इस तरह की कोई इंग्लिश है, जॉन इंग्लिश है वो बहुत नीचे यहाँ पर खेलने आ रहे हैं, लेकिन अपने आप में तेज खेलने का प्रयास हमेशा करते हैं तो इसमें विकेट मिलने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन मैक्सवेल है उससे बच के जरूर भारतीय सबसे बड़ा जो खतरा है वो मैक्सवेल है। मैक्सवेल मिडिल ऑर्डर में जिस तरह से बल्लेबाजी उन्होंने की, साथ ही गेंदबाजी में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं वो पिछले सेमीफाइनल मुकाबले में अफ्रीका के खिलाफ, हालांकि वो बोल्ड हो गए थे लेकिन वो एक शॉट बॉल थी उसको बहुत स्लोअर डिलीवरी थी, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया था उन्होंने कि इतनी धीरे गेंद, छक्का मारने का प्रयास उस पे था लेकिन बोल्ड हो गए थे। और जबरदस्त वो सेमीफाइनल, दोनों ही सेमीफाइनल के मुकाबले काफी जबरदस्त थे, तो उम्मीद है कि जो फाइनल मुकाबला है वो भी यहाँ पर जबरदस्त खेला जाएगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया की अगर गेंदबाजी की बात, स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस की तिकड़ी केज का ध्वज, मार्श गेंदबाजी करते हुए नजर नहीं आ रहे, जिम्मा उठा रहे हैं मैक्सवेल, जैम्पा, ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है गेंदबाजी का ऑस्ट्रेलिया का। जी बिल्कुल, पैट कमिंस हो, जोश हेजलवुड हो, स्टार्क हो, ये काफी अनुभवी गेंदबाज हैं, बड़े टूर्नामेंट का इनको काफी अनुभव भी है यहाँ पर। और एडम जैम्पा जिस तरह से स्पिन गेंदबाजी डाल रहे हैं वो भी विकेट सेकंड नंबर पर है जो विकेट टेकर्स की लिस्ट है अभी वर्ल्ड कप में, मोहम्मद शमी के पास उन्हीं का नंबर यहाँ पर शायद आ रहा है। तो ऐसे में खासकर इन अगर शुरुआत भारत उस तरह से करता है इन गेंदबाजों के खिलाफ, और बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखा शुरुआत के 4-5 विकेट थे उन्होंने, 44 रन पे उन्होंने निकाल दिए, वहां पर पूरी टीम बिखर गई। तो ऐसे में शुरुआत में अगर हमने अटैक करके जिस तरह से बैटिंग अगर उनके खिलाफ की है, क्योंकि पहले मुकाबले में रोहित शर्मा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर काफी जल्दी निकल गए थे यहाँ पर, विराट और केएल ने यहाँ पर संभाला था, लेकिन एक बार फिर से चौकन्ना रहने की काफी जरूरत है इन गेंदबाजों के सामने, और खासकर जब लेग स्पिन लेकर जब एडम जैम्पा आते हैं, क्योंकि विराट कोहली के लिए हमेशा वो खतरनाक साबित रही है, काफी बार आउट कर चुके हैं अपने करियर में विराट कोहली को, तो विराट कोहली को थोड़ा सा अगर जैम्पा के सामने जब वो आएंगे तो सोच समझ कर वहां शायद वो बैटिंग। आदित्य, भारतीय टीम को ऐसा कौन से खिलाड़ी है जिनसे बच के रहना है, एक बॉलर एक बैट्समैन? मैं कहूंगा कि आपको मैक्सवेल से बच के रहना होगा। और गेंदबाजी में? गेंदबाजी में आपको जोश हेजलवुड से बच के रहना। जोश हेजलवुड, देखिए भारत, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आप अहमदाबाद के इस स्टेडियम में मुकाबला होने वाला है, 1,00,000 से ज्यादा लोग वहां रहेंगे, देश का सबसे बड़ा स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज वहां रहेंगी, और इंडिया 11 खिलाड़ियों के साथ नहीं बल्कि 12 खिलाड़ियों के साथ, दर्शक भी उस मैच के अंदर पूरी तरीके से भारत का सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ हमने जिस ऑस्ट्रेलिया से बड़ी संख्या में दर्शक आए, आदि ये नहीं कह सकते, नहीं, लेकिन पैट कमिंस ने अपने एक स्टेटमेंट में अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि जो 1,00,000 से ज्यादा के जो दर्शक होंगे वो निश्चित तौर पर भारत का समर्थन वहां करते हुए नजर आएंगे, तो हम चारों तरफ से एक बहुत बड़ा दबाव, मानसिक दबाव बना रहता है, शुरू कर दिया है यहाँ पर। और 1,00,000 का हुजूम जब एक साथ किसी खिलाड़ी को या टीम को शेयर करता है तो सामने वाली टीम की जो परफॉर्मेंस है निश्चित तौर पर उस पर असर जरूर पड़ता है। बिल्कुल, अहमदाबाद तैयार है, पूरा देश तैयार है, या यूं कहें कि दो देश तैयार हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी सबसे ज्यादा बार उठा चुकी है, तो वहीं भारत अपना तीसरा खिताब झोली में डालने के लिए बरकरार नजर आ रही है। जैसे इस वर्ल्ड कप में भारत की फॉर्म रही है तो पूरी दुनिया की जो फेवरेट है वो सिर्फ भारत ही नजर आ रही है। ऐसे में 19 नवंबर को वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, फेवरेट इंडिया है लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी किसी से कम नहीं है। ऐसे में आप देखना होगा कि 1983-2011 क्या ये दोनों ही इतिहास, जो तीसरा इतिहास है वो भारत यहां पर कायम करेगा, या 20 साल पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में
एक जंग हुई थी, उस जंग में ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी थी और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती थी। ऐसे में देखना है कि 2003 का बदला तो लेना ही है, साथ ही इस ट्रॉफी पर 3 बार कब्जा भी करना है। आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे तमाम अपडेट्स के लिए। नमस्कार।